नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं हनुमानगढ़ घग्गर नदी की अब तक की लाइव अपडेट। घग्गर नदी पर बने पुल की सड़क में आई दरारें यातायात डाइवर्ट। घग्गर नदी में पानी की आवक कम होने से लोगों को मिली राहत। घग्गर नदी में गत दो दिनों से पानी की आवक थोड़ी घटने से राहत मिली है, मगर घग्गर नदी पर टाउन जंक्शन के बीच बने पुल की सड़क पर सोमवार को दरारें आने से प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद यातायात को डाइवर्ट किया गया। घग्गर नदी पर आने जाने के लिए डिवाइडर मार्ग है, इसीलिए जंक्शन से टाउन नए पुल से और टाउन से जंक्शन पुराने पुल से जाते हैं। सोमवार दोपहर को नए पुल पर कई मीटर से में सड़क में दरारें आ गई। पुल पर तैनात पुलिस जाब्ते की सूचना पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा मौके पर पहुंचे और यातायात को डाइवर्ट कराया। पुल की सड़क पर यहां जहां दरारें आई हुई हैं थी उसके चारों तरफ ईंट मिट्टी के थैले आदि लगा दिए गए हैं ताकि कोई वाहन उस पर से ना गुजरे। इसके बाद पुल से आवागमन बंद करवा कर पुराने पुल का ही आने जाने के लिए इस्तेमाल शुरू करवा दिया गया। पुलिस एवं प्रशासन अधिकारियों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं आदि की तकनीकी टीम पुल की जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पुल के इस्तेमाल आदि को लेकर निर्णय किया जाएगा। घग्गर नाली बेड में दो दिन पहले प्रवाहित पानी 7000 क्यूसेक का आंकड़ा पर पार कर गया था, मगर अब निरंतर पानी की आवक कम हो रही है। सोमवार को नाली बेड में पानी की मात्रा करीब 4 क्यूसेक से ज्यादा घटकर 6600 क्यूसेक तक पहुंच गई। ऑटो हेड में से भी प्रवाहित पानी में कमी दर्ज की जा रही है। सोमवार दोपहर तक ऑटो हेड में 34850 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था, इससे जीडीसी में भी पानी की मात्रा घट गई। घग्गर साइफिन में सोमवार को 21449 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। इसके अलावा RD42 GCD और 14865 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था। घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच विपरीत परिस्थितियों में दिन रात मेहनत कर आमजन को सुरक्षित रखने पर सोमवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर से भेंट कर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पैदा हुए बाढ़ के खतरे के दौरान जिला प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों से इन विपरीत परिस्थितियों में क्षेत्रवासियों को जो राहत मिली है उसके लिए क्षेत्र के नागरिक जिला प्रशासन के आभारी हैं। जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम की ओर से किए गए कार्य के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रशासन को धन्यवाद देता है, क्योंकि अभी तक स्थिति गंभीर है। इस स्थिति में किसी भी तरह की सहायता के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार है। इस दौरान शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिनों में हनुमानगढ़ पीलीबंगा और टिब्बी तहसील क्षेत्र में स्कूल बंद हैं, क्योंकि विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि राज्य सरकार की ओर से 30 जुलाई निर्धारित की गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों को पुनः संचालित करने की मांग करने पर जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मंगलवार से स्कूल संचालित करने के आदेश तत्काल जारी कर दिए। इस दौरान संगठन मंत्री राजेंद्र मिड्डा, जिला महासचिव अशोक सुथार, तहसील अध्यक्ष महावीर पंचारिया, गुरदीप सिंह, योगेश शर्मा, ओम प्रकाश साई, ज्ञा प्रसाद, लोकेश शर्मा, आशीष छाबड़ा, अमरजीत साकिया, दयाराम सैन, राजविंदर सिंह जगदेव, राम कुमार रोकना, दलबीर कचूरा, मणिराम विनोद, चिंटू मिश्रा के साथ साथ अन्य काफी लोग मौजूद रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल के साथ। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो करना ना भूलें।